हेलो डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल जिस क्लासरूम प्यारे विद्यार्थियों आज हमारा प्लेमरी स्प्रिंट का थर्टी डे उसका दूसरा दिन है और इसमें वो क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं जो कि जैसा आपको सोलह जून को महसूस होगा जो स्टूडेंट्स ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं मैं रोज पाँच मोस्ट लिवेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा जैसा पिछले 2022 और 23 में आए हैं बिल्कुल वैसे सिमिलर और सभी सब्जेक्ट के जो आपके प्रिलिमरी में आने की संभावना है और इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट रोजाना करोगे ना इसमें सिर्फ पांच मिनट लगेंगे आपके पांच से भी कम लगेंगे और उसका स्कोर इसमें डाल दो उससे क्या होगा कि आपका यह पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पे हैं जून को आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगा आज के दिन आपने क्या पढ़ाई की पहले तो मुझे यह बताइए आप क्या पढ़ाया आपने अगर आज ज्यादा नहीं पढ़ पाए तो इस वीडियो से पांच क्वेश्चन आपके परफॉर्मेंस एसेस कर देंगे फिर भी अटेम्प्ट नहीं कर इन क्वेश्चन को तो आज दस बारह घंटे की प्रोडक्टिविटी दीजिए मुझे भाई ये अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है और आपका मैंने जो है दो दो साल नहीं लगवाना पहले चांस में प्रलीमरी करना है हमने और सेफली करना है जिसने अभी तक ये मेरा कोर्स नहीं लिया मेरी उससे ये समीशन है सलाह है एडवाइस है जिसको लगता है कि मुझे प्रिलिमरी में सेफ होना है एक एक दो दो साल जिंदगी खराब नहीं करने तो ये कोर्स ले लें इस कोर्स की खास विशेषता यह है जैसे मैं पांच क्वेश्चन आपके आ रहे हैं ना ऐसे पच्चीस सौ के करीब का सिक्स क्वेश्चन बैंक होगा ये मान के चलो कि आपके पच्चीस फुल लेंथ मोक टेस्ट से ज्यादा तो करंट के हो जाएंगे पच्चीस क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी नहीं आपको कर सकते ज्यादा करंट के वो रिपीट नहीं होते सेटिंग में तो ठीक है वो करने चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कई सालों के लेकिन करंट में तो यही है आपके पास और कोई जरिया नहीं है 25 मोक टेस्ट फुल लेंथ हो जाए इससे बड़ी बात क्या होगी भाई इससे बड़ी अप्रोच क्या होगी और ये 30 डे चैलेंज का तो ये है कि आपको एक जैसे मिलिट्री की जो ट्रेनिंग होती है ना या ये समझिए 100 मीटर की रेस है ओलंपिक या कॉमनवेल्थ की वो लेके आया हूँ आपके लिए और इस 100 मीटर की रेस में एक कदम भी फटना पड़े पहला क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बॉर्डरिंग कंट्री ऑफ गैबॉन ये गेबोन में मैं बता देता हूं आपको मिलिट्री को पाइए दो हजार में इसलिए ये आना है एग्जाम में इसके आपको कैपिटल पता होना चाहिए इसके बॉर्डरिंग कंट्री पता होना चाहिए अब आपने क्वेश्चन पढ़ते हुए ध्यान रखना है दो तीन परसेंट बच्चे नोट नहीं पढ़ते क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते जल्दी करते हैं समय कम है समय बहुत आपके पास दो घंटे एग्जाम में इसको ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को इसके अंदर कई बार आंसर छिपा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बॉर्डरिंग कंट्री ऑफ गेबोन इसका मतलब दे, आपने मैप देखा है तो आप सेफ है मैप नहीं देखा तो भूलने का स्कोप है तो मैं इसलिए मेरी मैप के सीजन से देखी अब ये देखिए स्पेस से है यूरोपा इज ए मून ऑफ जुपिटर यूरोपा सब सरफेस ओशन कंटेन्स अबंडेंट कार्बन यूरोपा हैज ए साल्टी ओशन थीट आईसी क्रस्ट हाउ मेनी ऑफ द अबो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर जो आपके 16 जून को आएगा

वट डज द टर्म डिफ्लेशन रेफर टू तो ये आपके डिफ्लेशन इन्फ्लेशन ये सारी जितनी टर्म है बैंक रेट रिवर्स रेपो रेट जो भी जितनी बैंकिंग के टर्म है सारी याद कर लो एक क्वेश्चन आएगा पिछली बार आया नहीं है तो ये है डिफ्लेशन इनमें से कौन सी है आपने छापनी है प्यारे विद्यार्थियों आपने ये पांच क्वेश्चन रोजाना आदत डाल लो सिर्फ तीस दिन की बात है हो सकता है दो क्वेश्चन आ जाए चार नंबर बढ़ जाए दो नंबर बढ़ जाए दो नंबर भी ये समझिए जिंदगी बन जाएगी हो सकता है एक साल बच जाए मेरी एक रिक्वेस्ट है अपना स्कोर चाहे दो आए चाहे चार आए चाहे छ आए पांच आए जितने भी आए वो अपना इसमें डालना है कमेंट बॉक्स में और आपको कोई जज नहीं कर रहा शर्म नहीं करनी बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि मेरा एक क्वेश्चन ठीक हुआ तो क्या सोचेंगे आपको जानता नहीं कोई भी मुझे पता चल जाता है यदि आपकी वीकनेस है तो आपको ही पता चल जाएगा कि मैंने यह करना है इकोनॉमी का क्वेश्चन मेरा ठीक नहीं हो रही इकोनॉमी को पढ़ लो दोबारा अभी आपके पास बहुत समय है कम समय नहीं है आप घबरा रहे हैं घबराना नहीं है बिल्कुल भी कोई भी जो है इससे रिलेटेड अब ये जो कोर्स है थर्टी डे चैलेंज जो प्रमरी का है इस पर आपका कॉमेंट जरूर दीजिए थैंक यू वेरी मच